नमो नमः बंधुओं, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। बंधुओं, इस भाग में हम महापुराण के विषय में अध्ययन करना आरंभ कर रहे हैं। यह मूल रूप से महापुराण का भाग एक है, जिसके अंतर्गत हम पुराण के परिचय में सामान्य जानकारी और एक से लेकर तीन पुराणों तक मेरा प्रयास रहेगा आज उनके विषय में आपको अध्ययन करवाने के विषय में। तो मूल रूप से यह वीडियो जो है शास्त्री कमीशन से संबंधित है और आगामी नेट की परीक्षाओं से संबंधित और टैट और सेट से संबंधित है। तो समय न गवाते हुए चलते हैं आज के इस प्रारंभ इस महापुराण की इस शैली को प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसके सामान्य परिचय को जान लेते हैं पुराण के विषय में। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन, पुराणवम भवतीति पुराणम, इसके विषय में मैं आगे बताऊँगा। तो पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है प्राचीन शब्द से हम इसे लेते हैं। आगे चलते हैं, पुराण विश्व साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। वेदों की भाषा तथा शैली जो है वह कठिन है, परंतु उसी ज्ञान के सहज तथा रोचक संस्करण को हम पुराण कहते हैं और उसी में जटिल तथ्यों और कथाओं को इसके माध्यम से बताया गया है। अर्थात जो पुराणों में लिखा गया है वह वेद का ही भाग है और उसे रोचक ढंग से और जटिल कथाओं को सरल रूप से समझाया गया है, वही पुराण के अंतर्गत है। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है। अर्थात इससे हमें यह पता चलता है कि 18 पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन तीन पुराणों के मुख्य देवता हैं, इसके विषय में मैं आगे बताऊंगा। तो चलते हैं आज के इस भाग के मूल विषय में। पुराण शब्द का अर्थ है पुराणवम भवति इति पुराणम, अर्थात जो पुराना होकर के भी नया सा प्रतीत होता है, अर्थात नूतन सा रहता है, वही पुराण है। पुराणों के रचनाकार जो हैं महर्षि वेदव्यास हैं। पुरापि नवम पुराणम, यह कथन कहा किसने कहा है? तो यह निरुक्तकार यास्क ने कहा है। यह नेट में भी प्रश्न आ चुका है और कमीशन में भी प्रश्न आ चुका है, यह वाक्य किसका है। आगे चलते हैं, इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा है, तो महर्षि नारद ने इतिहास पुराणाभ्याम पंचम वेद इति नारद, यह नारद के द्वारा कहा गया है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपस बृहित, यह किसके द्वारा कहा गया है? यह कहाँ गया है, कहाँ कहा गया है? तो यह महाभारत के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। पुराणों की संख्या जैसा मैंने आपको बताया 18 है और उप पुराणों की संख्या कितनी है? तो वह भी 18 है। आगे चलते हैं, पुराणों के लक्षण हैं, तो पुराणों के 5 लक्षण हैं। तो यहीं से हम आज की इस वीडियो को मूल रूप से पढ़ाना आरंभ करेंगे। पुराण के विषय में, पुराण के लक्षणों के विषय में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम पुराण के लक्षण जो हैं वो बताए गए 5 हैं। तो कौन कौन से हैं? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्। अर्थात पुराण के 5 लक्षण हैं, कौन कौन से? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर, वंशानुचरित। तो सर्ग क्या है? तो सृष्टि की उत्पत्ति ही सर्ग है। प्रतिसर्ग क्या है? तो सृष्टि का विनाश और पुनरुत्पत्ति, अर्थात उसका पुनरुत्थान होना और विनाश होना, यह प्रतिसर्ग के अंतर्गत आता है। तीसरे स्थान पर है वंश, तो देवताओं और ऋषियों के वंश की वंशावली के विषय में जहाँ वर्णित है वह वंश के अंतर्गत आता है। मन्वंतराणि च, मन्वंतर अर्थात मनु इत्यादि वंश, जो हमारे 14 मनु हैं उनका विवरण यहाँ पर दिया गया है। आगे जो पुराण का 5वां लक्षण है वंशानुचरितम, इसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की जानकारी इसके अंतर्गत, अर्थात जितने भी उस समय के राजा हुए उनके विषय में जो जानकारी है वह वंशानुचरित वंशानुचरित के अंतर्गत बताई गई है। तो अब बात करते हैं यह लक्षण कहाँ से आया। तो यह पद्य जो है अमरकोश के और वायु पुराण से हमें प्राप्त होता है। तो प्रश्न आ सकता है पुराण के 5 लक्षण कहाँ से लिए गए हैं, अर्थात इनके विषय में कहाँ लिखा गया है? तो उत्तर होगा अमरकोश और वायु पुराण में। आगे बात करते हैं पुराण, इसके अलावा एक और स्थान भी है। पुराणों के 5 लक्षण केवल एकमात्र विष्णु और पुराणों में अगर मूल रूप से बात की जाए तो विष्णु पुराण से यह हमें प्राप्त होते हैं। यह पुराण के 5 लक्षण हुए जो कि यहाँ पर मैंने बताया। और एक अन्य है जिसके अंतर्गत बताया कि श्रीमद् भागवत पुराण में, श्रीमद् भागवत
पुराण के अंतर्गत दो स्थानों पर पुराणों के 10 लक्षण बताए गए हैं। एक जो श्रीमद् भागवत महापुराण का तीसरा स्कंद है उसके अंतर्गत बताया गया है, और दूसरे द्वादश स्कंद जो है उसमें 10 लक्षण जो हैं बताए गए हैं। अगर प्रश्न आए श्रीमद् भागवत महापुराण में पंच लक्षण कहाँ पर हैं, तो एक तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय में है और एक है 12वें अध्याय के अंतर्गत। आगे चलते हैं, जो 10 लक्षण हैं पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत, 10 लक्षणात्मकम पुराणम इति प्रोक्तम, यह 10 लक्षण के द्वारा बताया गया है कि पुराण के 10 लक्षण हैं, वह कौन कौन से हैं। तो देखें, सर्गश्चाथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षंतराणि च वंशो वंशानुचरतम संस्था हेतु अपाश्रयः। यह मूल रूप से 10 लक्षण जो है यहाँ पर बताए गए हैं। सर्ग अर्थात उत्पत्ति, विसर्ग प्रलय, वृत्ति अर्थात जीवन यापनार्थ भोजन इत्यादि की सामग्री, यह वृत्ति के अंतर्गत बताया गया है। रक्षा अर्थात वेदों की अर्थात धर्म की रक्षा इत्यादि, जैसा आपने श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत पढ़ा भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। वही यहाँ पर रक्षांतराणी के अंतर्गत रक्षा में बताया गया है कि जब जब धर्म के ऊपर कोई बात आएगी तब तब भगवान स्वयं उत्पन्न होते हैं, रक्षा के अंतर्गत बताया गया है। अंतराणी अर्थात मनवंत्रों के विषय में बताया गया है। मनवंत्रों में मूल रूप से 6 विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा, इसके आगे मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। वंशों, वंशों के विषय में, वंशानुचर तो वंशावली के विषय में, संस्था, संस्था का अर्थ ही प्रतिसर्ग है, हेतु, हेतु जीव को यहाँ पर हेतु बताया गया है, और अंतिम बचा अपाश्रय, यह अंतिम अपाश्रय जो है इसके विषय में आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे अपाश्रय क्या है, और तदुपरांत मैं भी कमेंट के माध्यम से इसको बताने का प्रयास करूँगा। आगे चलते हैं महापुराण के सामान्य परिचय में। जो मैंने पहले कहा कि पुराणों की संख्या जो है 18 है, तो वह 18 जो संख्या मैंने आपको बताई, पुराणों की 18 संख्या है, तो उसके विषय में हम जानते हैं। इसके लिए देवी भागवत में इसके अनुसार अर्थात इनका लक्षण दिया गया है कि 18 पुराण हैं, तो वह कौन कौन से, इसके लिए प्रमाण इस प्रकार है। माद्वयम् भद्वयम् चैव बत्रयम् बचतुष्टयम् अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते, और एक स्थान पे लिखा गया है पुराणानि पृथक पृथक। तो अर्थात माद्वयम् म शब्द से, म जो वर्ण है इससे दो पुराण हैं, जैसे म से मार्कंडे पुराण, मत्स्य पुराण। दूसरे स्थान पर भाद्वयम्, भ से दो हैं, भविष्य पुराण, भागवत पुराण। तीसरे स्थान पर ब्रत्रयम्, ब्र शब्द से वर्ण से तीन पुराण हैं, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैतर पुराण और ब्रह्म पुराण। व चतुष्टयम्, ब शब्द से ब वर्ण से चार पुराण हैं, वायु पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण और बरह पुराण। अशब्द अवर्ण से अग्नि पुराण, ना वर्ण से नारद पुराण, प वर्ण से पद्म पुराण, ली वर्ण से लिंग पुराण, ग वर्ण से गरुड़, कु वर्ण से कुरम पुराण और स्क वर्ण से स्कंद पुराण। इस प्रकार यह 18 पुराण विस्तृत रूप से हो गए। अब बात करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर जाना कि ब्रह्मा विष्णु और महेश उन तीन पुराणों के मुख्य देवता हैं, तो जान लेते हैं कि 18 पुराणों में कौन कौन से पुराण के देवता जो हैं ब्रह्मा हैं, कौन से के विष्णु हैं, और कौन कौन से पुराण के देवता जो हैं मूल रूप से शिव हैं। तो इनको तीन भागों में, तीन प्रकारों में बांटा गया है। पद्म पुराण के अनुसार त्रिप्रकाराणि भवन, तीन प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, सात्विक पुराण, राजसिक और तामसिक। जैसे आपको पता है तीन वृत्तियाँ हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक पुराण जो है इसके विष्णु हैं, राजसिक के हैं ब्रह्मा और तामसिक के हैं शिव। अब जो सात्विक पुराण हैं वह 6 हैं, कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर हैं, विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और बराह पुराण। यह 6 सात्विक पुराण हैं और इसके देवता विष्णु हैं। आगे बात करते हैं राजसिक पुराण के विषय में। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैतर पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण
और वामन पुराण और अंतिम भविष्य पुराण, यह सब राजसिक हैं। और तामसिक, तामसिक जो हैं, इस तामसिक पुराणों के देवता जो हैं शिव हैं। मत्स्य पुराण, कुरम पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, यह 6 पुराण जो हैं तामसिक पुराण इसके अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले मैंने पहले कहा कि आज हम प्रयास करेंगे कम से कम 3 पुराणों को इस वीडियो में करने के लिए। तो सर्वप्रथम बात करते हैं ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण, इसे आदि पुराण के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है पुराणों में सबसे आदि पुराण कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा ब्रह्म पुराण। प्राचीन माने गए सभी पुराणों का इसमें उल्लेख है। इसमें श्लोकों की संख्या अलग अलग प्रमाणों से भिन्न भिन्न है, अर्थात हर स्थान पर अलग अलग बताई गई है। कुछ पुराणों में इसकी संख्या 10,000 है, कहीं पर 12,000 है और कई स्थान पर 13,767 या 87 आसपास, इसके आसपास माने गए हैं। इसमें इसका प्रवचन जो था नैमिषारण्य तीर्थ में लोमहर्षण ऋषि ने दिया था। प्रश्न आए कि ब्रह्म पुराण के जो वक्ता थे, अर्थात इसके इसको कहने वाले कौन थे, तो वह लोमहर्षण थे और इन्होंने नैमिषारण्य तीर्थ पर इसके विषय में प्रवचन दिए थे। ब्रह्म पुराण में है क्या, इसमें सृष्टि, मनु की उत्पत्ति, उनके वंश का वर्णन, देवों और प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन इसके अंतर्गत आता है। इस पुराण में विभिन्न तीर्थों का वर्णन है। इसमें कुल 245 अध्याय हैं। प्रश्न आ सकता है ब्रह्म पुराण में कुल कितने अध्याय हैं, तो 245 इसमें अध्याय हैं। इसका एक विशिष्ट उपपुराण जो है सौर पुराण है। प्रश्न आए ब्रह्म पुराण का उपपुराण कौन सा है, तो उत्तर होगा सौर पुराण। और सौर पुराण के अंतर्गत जो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर स्थित है उसका वर्णन है। अब एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। ब्रह्म पुराण, इसे आदि पुराण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें श्लोक संख्या जो है भिन्न भिन्न बताई गई है। कुछ स्थानों पर 10,000 है, कुछ स्थानों पर 12,000 और कुछ स्थानों पर 13,787 के आसपास मानी गई है। इसका प्रवचन जो था नैमिषारण्य तीर्थ में लोमहर्षण ऋषि ने दिया था। ब्रह्म पुराण के अंतर्गत सृष्टि, उत्पत्ति, मनु की उत्पत्ति, वंशों का वर्णन, देवता और प्राणियों का वर्णन, इसके साथ साथ तीर्थों का वर्णन है। इसमें कुल 245 अध्याय हैं। इसका एक उपपुराण है जो कि सौर पुराण है। और सौर पुराण के अंतर्गत जो उड़ीसा में सूर्य का मंदिर स्थित है, वह इसके अंतर्गत कोणार्क मंदिर का इसमें वर्णन दिया गया है। आगे चलते हैं पद्म पुराण के विषय में। पद्म पुराण में कुल 641 अध्याय हैं, 48,000 के आसपास इसमें श्लोक हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार पद्म पुराण में 55,000 श्लोक माने गए हैं और ब्रह्म पुराण के अंतर्गत इसमें 59,000 श्लोक माने गए हैं। मूल रूप से पद्म पुराण की संख्याओं में 55,000 को मान्यता दी जाती है। इसमें कुल 5 खंड हैं जो कि हैं सृष्टिखंड, भूमिखंड, स्वर्गखंड, पातालखंड और उत्तरखंड। दोस्तों UGC नेट 73 कोड के अंतर्गत यह प्रश्न 2 दिसंबर 2019 में आया था कि इनमें से कौन सा पुराण जो है खंडों में विभक्त है, तो वहां पर यह प्रश्न आया था। तो मूल रूप से पद्म पुराण 5 खंडों में विभक्त है। इन सब में उत्तरखंड जो है सबसे विशाल है। आगे बात करते हैं, इसका प्रवचन जो था नैमिषारण्य तीर्थ में सूत उग्रश्रवा ने दिया था। ये लोमहर्षण के पुत्र थे। जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा, लोमहर्षण ने ब्रह्म पुराण के विषय में प्रवचन दिया था नैमिषारण्य तीर्थ में। और पद्म पुराण जो था इसका प्रवचन जो था नैमिषारण्य तीर्थ में ही उग्रश्रवा, जो कि लोमहर्षण के ही पुत्र थे, इन्होंने ही दिया था। इस पुराण में अनेक विषयों के साथ विष्णु भक्ति के अनेक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। और इसकी रचना जो है, इसका विकास जो है 5वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। तो पद्म पुराण में हमने जाना कि इसमें 641 अध्याय हैं, 48,000 के आसपास मूल रूप से श्लोक हैं, परंतु जो मान्यता के अनुसार मूल रूप से श्लोकों की संख्या मानी जाती है तो वो 55,000 मानी जाती है। इसमें कुल 5 खंड हैं, सृष्टिखंड, भूमिखंड, स्वर्गखंड, पातालखंड और उत्तरखंड। उत्तरखंड सबसे विशाल खंड है। इसकी जो प्रवचन करता है वो लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा है। और इसमें विष्णु भक्ति के विषय में बताया गया है और इसकी रचना 5वीं शताब्दी के आसपास की मानी गई है। और जो अंतिम आज पुराण की बात करेंगे, विष्णु पुराण, इसमें पुराण के 5 लक्षणों के विषय में बताया गया है जो हमने पहले जाने, सर्गश्च, प्रतिसर्गश्च, वंशो मन्वंतराणि च, वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणं। यह सब यहाँ से विष्णु पुराण से बताए गए हैं। इसमें विष्णु को परम देवता के रूप में बताया गया है। इसमें कुल 6 खंड हैं,
123, 126 इसमें अध्याय हैं। श्लोकों की संख्या इसमें 23,000 या 24,000 पर कुछ स्थानों पर 6,000 मानी गई है। इस पुराण के वक्ता जो थे, प्रवक्ता जो थे, महर्षि पराशर थे और श्रोता जो थे मैत्रेय थे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसे। विष्णु पुराण जो था इसमें पुराण के पंच लक्षणों का वर्णन दिया गया है, साथ में इसमें विष्णु को परम देवता के रूप में बताया गया है। इसमें कुल 6 खंड हैं, 126 अध्याय हैं और श्लोकों की संख्या 23,000-24,000 के आसपास मानी गई है। और साथ में इसके जो प्रवक्ता हैं महर्षि पराशर थे और श्रोता जो थे मैत्रेय थे। तो दोस्तों आज के इस भाग में हमने पुराणों के लक्षणों के विषय में, पुराणों के प्रकार के विषय में और मूल रूप से ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण के विषय में जाना। तब तक के लिए अगले भाग में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः मित्रों।